मनोज मुंतशिर है या शुक्ला है पहले उससे पूछो, उसके बाप कौन है, उसका बाप कौन है पहले उससे ये जाके पूछो। एक मिनट, जलेगी तेरी क्या होता है ये? हमारा काम है विरोध करना और हम अपने विरोध से इस पिक्चर पे बैन लगवा कर रहेंगे। आदि पुरुष मूवी का बहिष्कार करने के लिए कम से कम थिएटर खाली तो करवा ही देंगे, कोई देखने तो नहीं जाएगा। रिवोली थिएटर पर आए थे और काफी देर तक हमने वहाँ पे बहिष्कार करने के नारे लगाए, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा पुलिस बल तैनात कर दिया गया जैसे कोई हम कोई असामाजिक एक्टिविटी करने आए हों। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। तमाम लोग जंतर मंतर पे उतर आए हैं, शिवसेना के लोग हैं और आदि पुरुष फिल्म का बायकॉट के लिए ये लोग उतर आए हैं। क्या कहेंगे सर, बताइए क्या कहेंगे सर? जंतर मंतर पे आने का क्या प्रोग्राम है ये? हम लोग आदि पुरुष मूवी का बहिष्कार करने के लिए रिवोली थिएटर पर आए थे और काफ़ी देर तक हमने वहाँ पे बहिष्कार करने के नारे लगाए और बैन करने की मांग की, और वहाँ पर हमने पोस्टर वगैरह हमने भी फाड़ने थे वहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम था, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा पुलिस बल तैनात कर दिया गया जैसे कोई हम कोई असामाजिक एक्टिविटी करने आए हों। तो बड़ा इस बात का मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आदि पुरुष केजरीवाल जी की पुलिस तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ केजरीवाल जी के शासन का असर उस कुछ पुलिस वालों पर पड़ गया है। पुलिस तो सेंटर की है, लेकिन कुछ पुलिस वाले जो मैं समझता हूँ शायद वामपंथी विचारधारा के हैं या फिर केजरीवाल जी के समर्थक हो सकते हैं, उन्होंने हमें वहाँ पे, हालांकि हमने अपने जो काम करना था वो किया, उन लोगों ने हमें गिरफ्तार करके यहाँ पर जंतर मंतर पर लेकर आए हैं। सर, मनोज मुंतशिर पर क्या कहेंगे इस तरह की? मनोज मुंतशिर है या शुक्ला है पहले उससे पूछो कि वो शुक्ला है या मुंतशिर है, उसके बाप कौन है, उसका बाप कौन है पहले उससे ये जाके पूछो, फिर इस बात का जवाब देंगे हम। सर, हिंदू धर्म में हिंदू राम जी की बेइज्जती कर रहे हैं, सर ठीक लग रहा है? हनुमान गलत लग रहा है, दुख हो रहा है। मैं कह रहा हूँ हिंदू धर्म को बचाने के लिए कितने महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, और आज ये हालत हम नहीं होने देंगे। कोई भी हमारे धार्मिक ग्रंथ के ऊपर पिक्चर बनाएगा, कोई हमारे रामायण के ऊपर पिक्चर बनाएगा, वो भी सेंसर बोर्ड में वामपंथी विचारधारा के लोग बैठे हैं, उनको भी बर्खास्त करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से आप जितने भाई यहाँ पर खड़े हैं आप भी इस बात से सहमत हैं। पॉलिटिक्स में कोई जाएगा मिलने तो मिलना भी पड़ता है। आप जानते हैं ना मोदी जी कोई हक में थोड़ी ना इस पिक्चर के, उन्होंने कोई समर्थन किया क्या इस पिक्चर का? नहीं किया ना। कुछ काम मनोज शुक्ला कह रहे हैं कि मुझसे 45 मिनट तक बातचीत हुई प्रधानमंत्री जी से। देखो क्या है, हमारा काम है विरोध करना और हम अपने विरोध से इस पिक्चर पे बैन लगवा कर रहेंगे, और हमारा जो प्रदर्शन है दिल्ली के अंदर, मैं कहता हूँ मेरे पास दिल्ली प्रदेश की जिम्मेवारी है, मैं शिवसेना एकनाथ शिंदे जी पार्टी से हूँ और मैं राज्य प्रमुख की जिम्मेवारी पर हूँ, हम दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन करेंगे। परसों भी हमने किया था सेक्टर 11 रोनी में G3S थिएटर पर, आज हमने यहाँ पर किया है, एक दिन छोड़ के परसों हम कहीं और करेंगे। आप मीडिया बंधु को सूचना दे दी जाएगी, आप आ सकते हैं, लेकिन इस प्रदर्शन को मैं जारी रखूँगा, मेरा इतना मानना है। जब तक आवाज़, आप कभी कह रहे थे अभी मोदी जी तक नहीं पहुंचती, या हमारे ऊपर तक सुनवाई होगी तब तक हम ये जारी रखेंगे। और कुछ नहीं, हम अपने लोगों को जगा तो रहे हैं, कम से कम थिएटर खाली तो करवा ही देंगे, कोई देखने तो नहीं जाएगा, ये तो कर सकते हैं। वो शुरू में देखो क्या है, अभी मैं अपने मोबाइल में एक वो देख रहा था, फेसबुक पे आते हैं ना जैसे आते रहते हैं वीडियोस, उसमें दो बच्चे मूवी देखकर आए, उनकी माताजी साथ थी, बाहर निकलते ही वो डायलॉग बोल रहे हैं, वो सीन कितना अच्छा था कि ये तेरे बाप का क्या डायलॉग था, वो तेल तेरे बाप का उतरे का, तो उनकी माताजी इतना दुखी हुई कि हनुमान जी के डायलॉग को इतना गंदा तरीके से पेश किया गया, और जलेगी भी तेरी,
अब आप समझते हो ना वो क्या कह रहे हैं, अभी कोई बच्चे तो नहीं हो आप लोग। एक मिनट, जलेगी तेरी क्या होता है ये? तो मैं समझता हूँ आप लोगों को भी अपने बच्चों को मूवी दिखाओगे नहीं, मुझे तो इतना लगता है कि आप लोग भी नहीं दिखाओगे अपने बच्चों को। तो फिर उन्होंने घर जाकर रामानंद सागर जी की जो रामायण है वो दिखाई, उसको देखकर बच्चे बदल गए, यानी कि बच्चों के ऊपर चेंज किया, बच्चों के ऊपर प्रभाव इतनी जल्दी पहुँच पड़ता है। इस पिक्चर को बैन होना चाहिए, ये बिल्कुल खिलाफ है, हमारे समाज के भी खिलाफ है। अगर मनोज की जगह पे कोई मुस्लिम होता, मोहम्मद होता, तो फिर क्या होता? नहीं, मोहम्मद होता या कोई भी होता, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे हिंदू ठीक हैं या सारे मुस्लिम खराब हैं। मैंने आपसे ये नहीं कहा, मुस्लिम हिंदू वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तो DNA में फर्क है। सर, जयचंद को कैसे निकालोगे? जयचंद को पहले वो दिन गए कि पृथ्वीराज चौहान जी वहाँ जयचंद था और उन्होंने अपने प्राण गंवाए, आज वो दिन नहीं है। आज पहले मौके में ही वार, ये पहले वार से गिरा देना चाहिए, देश के दुश्मन को भी, धर्म के दुश्मन को। आगे क्या रहेगी कि इस तरह की फिल्में रिलीज? और हमारे वैसे भी इतने बड़े मतलब गुरु गोविंद सिंह जी ने त्याग दिया अपने बच्चों का, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो किया आपके सामने, संभाजी महाराज जी ने किया, क्या हम उनकी कुर्बानियों को विफल नहीं जाने देंगे? हम तो कुछ भी नहीं, अब सड़क पर एक प्रदर्शन ही तो कर रहे हैं, प्राण भी देने पड़ेंगे हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लिए वो देंगे। एक सवाल आखिर है कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी से या किसी मिनिस्टर से आपकी मुलाकात होने वाली इस मुद्दे को लेकर के? होगी, करेंगे मुलाकात। अभी तो ज्ञापन पत्र सौंपने जा रहे हैं श्रीमान अनुराग ठाकुर जी को, तो उसके बाद देखते, मिलेंगे बड़े लोगों से भी मिलेंगे, बड़े नेताओं से भी मिलेंगे। और हमारी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, माननीय एकनाथ शिंदे साहब को भी कहेंगे कि इस पिक्चर के विरोध में कुछ कीजिए, बैन कीजिए अपने राज्य में। उद्धव ठाकरे जी कुछ इस पर कुछ बयान आया आपकी नज़र? उद्धव ठाकरे जी हमारे नेता नहीं हैं, अभी पहले काम किया हमने उनके साथ, अभी माननीय एकनाथ शिंदे साहब के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हम किसी और पर बयान अभी नहीं देंगे। सर, समाज को घर घर जाकर जगाएंगे क्या? जाएंगे, जो बिल्कुल घर घर जगाएंगे, और लेकिन जागेगा तभी समाज, जब आप जो मध्यस्थता करते हैं समाज और हमारे बीच में, मीडिया का रोल सबसे बड़ा है। आप हमारी बात अगर पहुंचाएंगे तो ज़रूर फर्क पड़ेगा, असर होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो आप मीडिया के माध्यम से हो। जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग देख सकते हैं, ये शिवसेना के लोग थे आदि पुरुष फिल्म को लेके, ये लोग विरोध प्रदर्शन जारी करने दिल्ली के जंतर मंतर पे आए थे। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।